अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम मौजूद हैं गुलारची बाईपास पे। ये बराबर में गुलारची है, उसके साथ ही छोटा सा एक होटल है। इसकी चाय बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो हमने सोचा यहाँ की चाय पी लें और आपको बताएं कि कैसी है चाय यहाँ की। तो आइए चल के अंदर देखते हैं, आइए सर। अच्छा दोस्तों, हमारे साथ कुछ हमारे से न्यू जनरेशन यंगर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी डिफरेंट सिटीज़ से आए, लोग भी चाय पीने के लिए। तो उनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हैदराबाद सिटी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और क्या चाय पीने के लिए स्पेशल वहाँ से हैं? हाँ, तो पहले भी आते रहे ऐसे? नहीं, पहले यहाँ नहीं आते रहे। यहाँ पे हमें सुनाई में आया था कि यहाँ की चाय अच्छी, यहाँ से गुजर हुआ तो हमने सोचा यहाँ की चाय पी लेते हैं। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कहाँ से हैं आप? मीरपुर खास से सर। मीरपुर खास से चाय पीने के लिए यहाँ? जी जी बिल्कुल। कैसी है चाय? अच्छी है माशाल्लाह। पहले भी पी है? पहले नहीं, फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ। पहली बार किसी कहने पर आए? भाई ने बोला था इधर पीते हैं। चलें शुक्रिया, आगे चल के देते हैं। आई जी, कुछ कहेंगे? कहाँ से हैं सर? सामने मैं मीरपुर खास से हूँ। मीरपुर खास से? हाँ जी हाँ। चाय पीने के स्पेशल वहाँ से हैं? चाय पीने के साथ हम चारों साथ आए चाय पीने के। मीरपुर खास है? जी हाँ। ये डिफरेंट सिटी से? मैं मीरपुर खास से हूँ, ये सकर से, वो हैदराबाद से। अच्छा, हैदराबाद से। जी सामकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप बताए ठीक है। मैं सकर से हूँ। आप भी सकर से? जी जी बिल्कुल। चाय पीने के स्पेशल है यहाँ पे? नहीं, स्पेशल नहीं है, इधर रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने कहा सोचा चाय पी लेते, शाम का माहौल है, नज़ारा अच्छा है, मौसम भी अच्छा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा गर्म भी हो रहा है। हमारा एक दोस्त था गुलार जी का, वो कह रहा था कि जून जुलाई में यहाँ पे सूरज ही नहीं निकलता। हमने कहा देख ले, हम परेशान हो गए, हम विजिट कर दिया। अच्छी बात है, चाय अच्छी? चाय अच्छी है या वैसे ही बोल रहे हैं? नहीं, चाय अच्छी है, मतलब रास्ते में से यही होटल बेहतर रहा, इनकी चाय अच्छी है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, थैंक यू। सामने आइए दोस्तों, अंदर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, ये इनका मेन एंट्रेंस है यहाँ पे, इनका ये सिटिंग एरिया, इनका आगे डाइनिंग हॉल भी है, आगे जेंट्स का डाइनिंग हॉल है, अगर अंदर लेडीज़ का है। आइए अंदर जाके देखते हैं। आइए, अच्छा दोस्तों, ये इनका डाइनिंग हॉल है, एक ये जैसे कि मैं देख सकते थे, ये डाइनिंग हॉल है। अंदर इनके लेडीज़ के लिए अलग ही अपार्टमेंट बनाया उन्होंने, डिपार्टमेंट, इनका लेडीज़ का रूम है। आइए अंदर चलें। अच्छा, ये लेडीज़ के लिए डाइनिंग हॉल बनाया हुआ है स्पेशली, तो यहाँ पे कुछ 10-12 लोग बैठ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ऊपर चल के देखते हैं, ऊपर के भी एक इनका बना हुआ चले। दोस्तों, ये इनका फ्लोर के ऊपर एक जगह बनाई हुई, सेटिंग एरिया बनाया हुआ है इन लोगों ने। जैसे कि मेरे देखिए, मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं आप, ये कितना बेहतर, तो कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का, देखें। अच्छा सामने देखें, इसके देखें सामने भी, सामने देखें आप, एक गुलारची बाईपास है सामने मेरे लेफ्ट साइड पर। जैसे कि आपको मैंने सारा एरिया दिखा दिया, अब नीचे का कैश काउंटर भी दिखा दें आपको, किचन एरिया भी दिखाते हैं। आइए मेरे साथ, यहाँ के ऑनर मीर हाजी साहब बैठे हैं, मीर हाजी साहब, तो उनसे मिलकर बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह भी करम है। सर, होटल के बारे में थोड़ा बताइए। होटल माशाल्लाह ये है, थरकुल बाईपास पे होटल है, शहर गुलारची, थरका गुलारची है। हाँ, हमारे यहाँ माशाल्लाह खाना हमारा अच्छा चलता है, चाय दूध। कौन कौन से खाने हैं? क्या खाना? दाल माशे, दाल चने की है, और बारबेक्यू में आइटम भी है माशाल्लाह। बारबेक्यू भी माशाल्लाह। जी जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और बकरे बकरे हमारे खुद के लेते हैं, दुआ करते हैं इधर होटल में माशाल्लाह। सही। टाइमिंग क्या है इसका? टाइमिंग 24 घंटे, अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे। खाने के जो रेट से मुनासिब हैं? मुनासिब रेट हैं। चलिए, मुनासिब रेट हैं यहाँ पे। चलिए चाय टेस्ट करते हैं, फिर इनके बाद हाजी साहब से दोबारा फिर मिलेंगे। दोस्तों, फाइनली हमारी चाय और केक आ चुके हैं, अब टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि ये चाय और केक कैसे हैं यहाँ की। दोस्तों, मैं चाय ट्राई की, चाय माशाल्लाह अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो से, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।